बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर झारखंड महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैच में बिजली ने दखल दी और बिजली ने मैच में खलल डाल दिया। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच मैच चल रहा था, जिसमें बिजली ने खलल डाल दिया और सोमवार को यह मुकाबला हुआ था, जिसमें लगभग 10 मिनट के लिए बिजली चली गई थी, जिससे खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए। नीरज, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में मैच के दौरान बिजली ने खलल डाला है, बिजली अचानक चली गई, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, कल जब मैच हो रही थी चाइना और भारत के बीच, और सेकेंड हाफ में एक पेनल्टी कॉर्नर भारत ने कंसीड किया था, उसी दौरान चाइना को पेनल्टी कॉर्नर लेना था और इसी दौरान जो है बिजली चली गई थी दो पोल्स की, तो उस वजह से मैच लगभग 10 से 15 मिनट तक रुका रहा। पेनल्टी कॉर्नर लेना था चाइना को, और कुछ देर बाद जब जो भी इश्यूज था उसको रिजोल्व किया गया और जब लाइट आई उसके बाद चाइना की ओर से पेनल्टी कॉर्नर लिया गया, हालांकि वो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं खलल डल गई, और क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर लेना था और समय तक कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट करने वाला ये मोमेंट हो सकता है, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्शन हो जाए चाइना की ओर से। लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह का बिजली का खलल डलना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है पूरे जिला प्रशासन और पूरे मैनेजमेंट पर। तो हो सकता है कि इसको लेकर जो है आज कोई बातें सामने आए कि वजह क्या थी, क्यों दो जगह की जो है बिजली के खंभों की लाइट चली गई, जहां से फ्लड लाइट्स पूरे स्टेडियम में मिलती है। तो कल जो है 10 मिनट तक मैच रुका रहा, हो सकता है कि आज उस पे बातें सामने आ जाए कि वजह क्या थी, क्यों बिजली चली गई थी। और काफी देर तक दर्शक लगभग 10 से 15 जैसे मैंने बताया कि इंतजार कर रहे थे कि अब मैच जो है रुकी हुई है वो आगे बढ़े, भारत के जीत का लोगों को इंतजार था। हालांकि बाद में बिजली आ गई और फिर उसके बाद मैच फिर से दोबारा शुरू हो गया और भारत ने आखिरकार मैच जो है चीन से जीत लिया, 2-1 से मैच को अपने नाम किया। तो बिल्कुल एक सवाल तो खड़ा होता है, देखना होगा कि क्या कुछ इसकी वजह दी जाती है और क्या कुछ कारण रहा था कल के मैच के दौरान जब ये बिजली चली गई थी। काजल जी, नीरज, इतने बड़े पैमाने पर जब मैच का आयोजन हो रहा है रांची में, तो उसको लेकर हर तरीके की सुविधाओं को उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर मैच के दौरान इस तरीके से बिजली चली जाना एक सवाल खड़ा करता है। और इस पर क्या कुछ कहना है वहाँ पर अधिकारियों का, वहाँ पर स्टेडियम में जो भी अधिकारी मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है? अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है इसको लेकर। हमने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की, जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अभी तक इसको लेकर कुछ कहा नहीं है। संभवतः कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकता है और जानकारी लेनी होगी कि क्या वजह रही है, क्योंकि बिजली की समस्या तो राजधानी में आम है और ऐसे में इतने बड़े टूर्नामेंट में बिजली चले जाना अगर उससे जोड़ा जाए कि क्या उस वजह से बिजली चली गई थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, तो वो देखने वाली बात होगी। जब पदाधिकारी की ओर से कोई बात आएगी, कोई बातें मतलब कुछ पक्ष रखा जाएगा कि वजह क्या थी, तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ वजह थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था या फिर कुछ किसी पदाधिकारी की गलती की वजह से ये पूरा जो था मैच में खलल लगा। तो ये आज स्पष्ट हो सकता है कोई पदाधिकारी अगर बात जो है खुलकर सामने रखे तो। काजल जी, नीरज, इस मैच के दौरान बिजली जाने से मैच कितना प्रभावित हुआ है नीरज, और खिलाड़ियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 10 मिनट तक लाइट नहीं थी, तो कितना प्रभावित हुआ था मैच? देखिए, मैच तो बिल्कुल प्रभावित होता है, जैसे कि मैंने बताया कि चाइना को पेनल्टी कॉर्नर लेना था और भारत इस मैच में दबदबा बनाए हुए था अपना और 2-1 से मैच में लीड लिए हुए था भारत, और ऐसे में पेनल्टी कॉर्नर लेने के समय ही बिजली चली जाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाइना के प्लेयर्स जो थे वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे। एक जो मोमेंट होता है, एक मोमेंटम जो होता है, वो मोमेंटम कहीं ना कहीं उस समय समाप्त हो गया होगा, और जो जोश रहता है उस समय किस तरह से, तो प्लेयर्स को जो एक तरह कहते हैं समय मिल गया, ये अगर हम कहा जाए तो वो समय मोमेंटम जो था वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया मोमेंटम।
तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने वाला था ये मोमेंट। तो प्लेयर्स को लेकर भी कहे तो प्लेयर्स भी क्योंकि प्लेयर्स को इस तरह की आदत नहीं होती है, वो अपना जो फोकस होता है मैच में देते हैं, और बिजली चली जाए 10-15 मिनट के लिए तो कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कत होती है। साजा जी नीरज, इस बारे में हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि इस पर वहां पर मैनेजमेंट का क्या कुछ कहना है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, One-to-One Doubt Clearing System, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute.